लगातार जिस तरह से सीआरपीएफ पुलवामा में जो अटैक हुआ इसको लेकर हम बात कर रहे हैं, और आज भी अगर हम बात करें तो चारों जवान शहीद हो गए हैं। कुल मिलाकर 35 जवानों की शहादत हो गई है और 3 मिलिटेंट्स भी मारे गए हैं। और लग ये रहा है कि जिस तरह से वजीर आजम ने कहा था कि सेना को खुली छूट दी गई है, वो जिस भी तरह से इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हैं उनको पूरी छूट है करने की। लेकिन वाकई में देखना होगा कि क्या आगे आने वाले वक्त में हम कोई बड़ा एक्शन देखेंगे। तजमुल इंटरनेशनल जो फ्लाइट थी उनको रद्द किया गया था, इस हवाले से कोई अपडेट मिल रही है आपको? 2 दिन से रद्द थी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इस तरह के प्रोग्राम हैं, जैसे हमारा कारवान अमन की बस सर्विस चलती थी पुनिश रावला कोट सेक्टर से, उसके बाद उड़ी सेक्टर से, उस बस सर्विस को भी रद्द कर दिया गया। इस तरह से कई एक प्रोग्राम थे जिनको रद्द कर दिया गया। एक पुलिस बस बयान के मुताबिक ये जो मिलिटेंट 2 की शिनाख्त अभी तक हुई है, बुशरा उसमें कामरान का नाम बताया जाता है। कामरान वही है जो काफी टाइम से जेईएम के साथ मिला हुआ था, उसके बाद 2017 से साउथ कश्मीर के पुलवामा में कैंपड था, और यहां से न सिर्फ मेडिकल नॉन मेडिकल प्रोफेशनल कोर्सों में जो लड़के थे, आसपास के लड़के थे, उन्हें रिक्रूट कराने में उनकी काफी महारत थी। इसके अलावा एक लैब टेक्नीशियन हिलाल अहमद जो लोकल है, उसके बारे में बताया जाता है कि वो लैब टेक्नीशियन था और गुज़श्ता साल जो रमजान के महीने में मिलिटेंसी की सफों में शामिल हुआ। दोनों की डेथ्स कंफर्म हुई है, तीसरे की तलाश और तीसरे की जो अभी तक आइडेंटिफिकेशन है वो की जा रही है। लेकिन कुल मिलाकर अगर पुलवामा के बाद इस तरह के दौरों की हम बात करें बुशरा, तो जहां एक तरफ सियासी लेवल पर कोशिश की जा रही थी कि दोनों ममालिक को नजदीक लाया जाएगा, लेकिन उसके बाद जब जेईएम ने लतपोरा में इस तरह से अटैक कैरी आउट किया, वाकई इस तरह से काफी आगे जो भी प्रोग्राम होंगे वो मुतासर हो सकते हैं। लेकिन मुतासर होने के बाद आपको याद होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को इजाजत नहीं मिल रही है खिलाड़ियों के खेलने की, उससे एक मैसेज गया जरूर कि कश्मीर में और या रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से में अगर पाकिस्तान के इशारों पर कुछ इस तरह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयां की जाती है, उससे बायकॉट करना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस चीज को आप दो चीजों को साथ लेकर नहीं चल पाएंगे। लिहाजा इस तरह से जो प्रोग्राम थे वाकई एक अच्छी कोशिश थी, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद इन तमाम प्रोग्रामों को रद्द कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 2 लोगों के नाम बताए हैं जिस तरह से कंफर्म हुए हैं। गाजी बाबा को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही थी, अभी वो कंफर्म होना बाकी है और हम इंतजार करेंगे कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो तीसरा दहशतगर्द है उसको लेकर क्या नाम और पूरा बैकग्राउंड जब बताया जाएगा तभी हम लोग यहां से कंफर्म करेंगे कि वो गाजी बाबा था या फिर नहीं। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और हम बात कर रहे हैं इस पूरे मसले को लेकर। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी जेके त्रिपाठी जी कि एक तो होता है कि एक जाहिरी दुश्मन है और एक दुश्मन होता है छिपा हुआ दुश्मन। जाहिरी दुश्मन हमें पता है कि पाकिस्तान है, छुपा हुआ दुश्मन जो चाइना है उसके बारे में शायद हम उतनी बात नहीं करते हैं, क्योंकि चाहे जैश मोहम्मद की हम बात करें या फिर हम जब बात करते हैं असद मसूर की बात करते हैं हम, तो हम ये देखते हैं कि लगातार वो एक रोड़ा बना हुआ है हिंदुस्तान से। वो तमाम तरह के तिजारत करता है, उसे किस तरह से लाखों करोड़ रुपए का उसको यहां से फायदा होता है, दूसरी तरफ उसने पूरा स्टेक जो है वो पाकिस्तान में भी अपना लगा रखा है, वहां कॉरिडोर बना रहा है, वहां से भी उसके तमाम जितने भी मसले हैं वो वहां से वो हल कर रहा है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि एक तरीके से एक स्ट्रेटेजिक तरीके से चाइना पर भी अब दबाव बनाने की जरूरत है, दूसरे मुल्कों की मदद लेकर ही? सही जी, देखिए ऐसा है कि मैं बताऊं कि चाइना पर आप कोई मिलिटरीली दबाव नहीं डाल सकते, पॉलिटिकल दबाव भी नहीं डाल सकते। आप एक दबाव डाल सकते हैं जो इकोनॉमिक सेक्टर में आता है। आज चाइना हमारे साथ व्यापार करने वाले देशों में सबसे आगे है। आज हमारा चाइना के साथ ट्रेड जो है एनुअल ट्रेड $80 बिलियन से ऊपर है, जिसमें से हम चाइना को सिर्फ $20 बिलियन देते हैं और चाइना से हम $60 बिलियन की चीजें इम्पोर्ट करते हैं। इसमें कई चीजें हैं, मोबाइल फोन से वो, और इसके साथ साथ $130 बिलियन से ज्यादा चाइना का इन्वेस्टमेंट है। अब ये आप देखें कि ये हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ वो हमारी GDP का 2.5% है। अमेरिका के साथ चाइना का ट्रेड डेफिसिट 1.4% था और ट्रंप ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी चाइना के खिलाफ, और हम अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। ये चाइना की दुखती रग है, क्योंकि चाइना एक तिजारत वाला देश है। अगर हम इसको कम कर दें, बंद तो शायद नहीं कर पाए, अगर ये कम कर दें तो आप देखिएगा कि चाइना में इस चीज को लेकर के बड़ी अफरा तफरी मच जाएगी, क्योंकि ज्यादातर चाइनीज कंपनी जो विदेशों में है
वो चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर में है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज हम कर सकते हैं, लेकिन अब पता नहीं इसको हम करेंगे कि नहीं। हमने पाकिस्तान के साथ तो स्टेप उठाया है, लेकिन वो इतना कोई खास नहीं है। पाकिस्तान के साथ हमारा 2.5 बिलियन डॉलर का है व्यापार, जिसमें से हम पाकिस्तान से सिर्फ 0.5 बिलियन डॉलर की चीजें लेते हैं, तो उसपे 200% आप ड्यूटी बढ़ा दीजिए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है इकॉनमी में। लेकिन अगर चाइना के साथ आप ये स्टेप उठाएंगे तो बहुत ही फर्क पड़ेगा, और इसलिए भी कि इन पैसों में से शायद इसी का कुछ हिस्सा चाइना सीपीईसी में इन्वेस्ट कर रहा है, जो कि हमारे हितों के खिलाफ है। प्लस चाइना से हम ये तो कह ही सकते हैं कि आप सियाचिन से या आप गिलगिट से जो ले जा रहे हैं सीपी के जो बीआरआई, गिलगिट हमारा प्रदेश है, गिलगिट हमारा हिस्सा है, आप वहां से नहीं ले जा सकते। अगर पाकिस्तान ये कहता है कि वो आजाद कश्मीर है, तो किसी एक आजाद मुल्क से बिना उस आजाद मुल्क की परमिशन लिए आप उस मुल्क का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें ये चीजें उठानी चाहिए, और इसके साथ साथ हमें कुछ और देशों का सहयोग लेना चाहिए। हमें ठीक है यूएस का भी सहयोग लेना चाहिए, रशिया का, जापान का समेत सहयोग लेना चाहिए। चलिए वापस लौटते हैं पुलवामा पे, क्योंकि लगातार हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। अनिल जी ने जिस तरह से सवाल उठाया था, आप सुदेश जी उस पर कुछ आप जी कहना चाह रहे थे। देखिए अगर आप देखें तो जो पठानकोट की एक घटना हुई और एक उड़ी की एक बड़ी घटना हुई थी, और इसको अगर हम तुलना करें जो 2004 या उससे पहले 2004 से 2014 के बीच में लगातार पूरे देश में एक इनसिक्योरिटी का वातावरण था, चाहे मुंबई हो, अहमदाबाद हो, या फैजाबाद जैसे छोटे शहर की कोर्ट में भी बम से हमले हुए थे। अगर आप पठानकोट कश्मीर के बाहर सिर्फ पठानकोट छोड़ दे तो आपको दिखेगा कि पूरे 4.5 साल में एक भी कोई भी आतंकवादी घटना पूरे देश में नहीं हुई, कोई बिना जानकारी के कोई पटाखा भी नहीं दगा। तो अगर हम ये कहते हैं कि नहीं देश में सुरक्षा का वातावरण बढ़ा है, तो शायद कहना गलत होगा। और जहां तक उड़ी की घटना की बात है, तो प्रधानमंत्री जी ने उसके बाद भी कहा था कि हम बदला लेंगे, और आपने देखा कि घुस के जो जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक की गई, और इस तरह लगातार 2-3 दिन से जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान आए हैं कि उन्हें जो करना था वो कर चुके, बातचीत का दौर खत्म हो चुका। अगर देश का प्रधानमंत्री, सरकार का मुखिया अगर ऐसी बात कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की तैयारियां चल रही होंगी, क्योंकि सरकार का जो बयान होता है, स्टैंड होता है, प्रधानमंत्री का बयान वही माना जाता है। तो अगर आप पहले दिन से ही देखें, चाहे मोस्ट फेवर्ड नेशन खत्म करने की बात हो, या इससे पहले ही उड़ी के बाद ही उनको पैसे दिए जाते थे हुर्रियत लीडर्स को एक जमाने में, वो सारे बंद किए गए, आज सिक्योरिटी उनकी हटाई गई है। और इस तरह 48 देशों ने कंडेम किया। अगर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स की बात भी करेंगे, सऊदी अरब के कल यहां प्रिंस आ रहे हैं, सऊदी अरब ने उस टेररिज्म की जो ये पूरी वारदात हुई इसको कंडेम किया, जबकि हमें पता है कि किस तरह के ताल्लुकात सऊदी अरब की रॉयल फैमिली को पाकिस्तानी आर्मी सिक्योरिटी देती है, उसके बावजूद आज सऊदी अरब के प्रिंस भी उसको कंडेम करते हैं। तो इस तरह चाहे डिप्लोमेटिक एफर्ट हो पिछले 5 दिन में देखे जाए, सिक्योरिटी पाकिस्तान में जाकर इन्वेस्ट भी करते हैं, वो उनका अपना उनका ताल्लुकात है, अगले 2 दिन यहाँ रहने वाले हैं, जो जिस तरह के बयान भारत के राजदूत के या फिर सऊदी अरब के राजदूत के आए हैं, उसे लगता है कि अगर हम पाकिस्तान को किस तरह से अलग थलग करेंगे, किस बिना पे। अब तक तो ऐसा कोई भी स्टेप किसी भी कंडेम करने के अलावा अभी तक किसी भी मुल्क की तरफ से ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया गया। इसमें आप इस घटना को अगर छोड़ भी दे तो अगर सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप के बयानों को देखे कि उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अगर अमेरिका के व्हाइट हाउस के प्रेस डिपार्टमेंट का स्टेटमेंट देखिए, कितना कंडेम करते हुए स्टेटमेंट आया। और जहां तक फंडिंग की बात है, तो उन्होंने कहा कि हम अगर आप जो डेवलपमेंट फंड है उसको जो आप डाइवर्ट करते इस तरह की चीजें होंगी तो फंड रोक दिए जाएंगे, और उनके फंड रोके भी गए। तो पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, चाइना ने एक नया दोस्त जरूर ढूंढ लिया है अपने पड़ोस में, हमारा भी पड़ोसी है वो, लेकिन अगर वेस्टर्न वर्ल्ड से जिस तरह की मदद पाकिस्तान को मिला करती थी वो नहीं मिल रही। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है वो आप अगर देखेंगे उसके जो अपनी कॉन्फ्रेंसेज होती थी उसमें कश्मीर को लेके बयान होता था, लेकिन जो पिछली कॉन्फ्रेंस हुई उसमें कश्मीर को लेके एक भी पैरा एक भी लाइन नहीं दी गई है। तो इस तरह से पाकिस्तान को धीरे धीरे अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से वहां पे जैसा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा कि जैसे टैक्स हैवन्स होते हैं, पाकिस्तान एक टेरर हैवन बन गया, इससे बड़े बयान की हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन एक पूरे अगर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स को देखें कि जब अफगानिस्तान से सोवियत सेना हटी और उसके बाद 89 में वो सारा जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर था वो कश्मीर की ओर डाइवर्ट कर दिया गया, और शायद कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि जब हमारे देश में जो कश्मीर में आतंकवादी जब 250 के करीब हैं और अमेरिका जब अफगानिस्तान से एग्जिट करने ही वाला है, तो वहां का जो पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि जिस तरह से आईडी इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पे सिक्योरिटी एक्सपर्ट बैठे हैं वो आपको बताएंगे कि किस तरह से आईएसआई और अफगानिस्तान में इस तरह की आईडी इस्तेमाल करती, यानी कि एक नया टर्फ खड़ा हो रहा है और
उसको निपटने के लिए नए तरीके की तैयारियां भी चाहिए। ये वो आतंकवाद नहीं है जिसमें पत्थर फेंके जाते हैं, सामने से बंदूकें चला करती थी, यहाँ पूरा किलो सैकड़ों किलोग्राम आईडी इस्तेमाल हो रहा है। ये भी तो सवाल उठ रहा है कि देखिए 300 अगर ये मान लिया जाए कि 300 किलोग्राम भी था जो हाई इंटेंसिटी का जो विस्फोटक लेकर आया गया था, आप ये बताए एक बार में तो वो आ नहीं सकता, यानी कि महीनों में थोड़ा थोड़ा कर इसको लाया गया है, तो क्या आपको नहीं लगता कि इसको लेकर भी एक तरह का इंटेलिजेंस कुछ इनपुट होना चाहिए था क्या इस फ्रंट पे? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए एनआईए की टीम वगैरह पहुंची है। वो आईडी मतलब होता है इम्प्रोवाइज्ड, जो वो होता है उसमें सीधे तौर पर एक्सप्लोसिव डिवाइस होती है, वो कोई सीधे तौर पर बम नहीं होता, उसको प्रेशर के साथ मारा जाता है, तो जरूर उसमें बहुत सारी चीजें इकट्ठा की गई होंगी, तब उस तरह की कोई डिवाइस बनाई गई और उसको सीधे तौर पर उसको मारा गया, जो कि सिक्योरिटी फॉल्ट है उस पर पूरी तरीके से जांच होगी। लेकिन इन सबको देखते हुए कि जो वहां लोकल एलिमेंट्स किस तरह से इन्वॉल्व हैं, किस तरह से उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है, मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, दिल्ली से भी जिस तरह से उसको वैचारिक सपोर्ट मिलता है कि अगर वहां पे पत्थरबाजों के ऊपर अगर सीआरपीएफ या आर्मी कार्रवाई जब करती है, इवन पैलेट गन से, आर्मी गन से नहीं, तो भी उसको जिस तरह से यहां पे क्लोजअप के साथ फोटो लगाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से पिछले 4 दिन बयान आए हैं, जिस तरह से वहां गृहमंत्री ने जाकर श्रीनगर में बोला कि श्रीनगर में बैठे कुछ लोग बॉर्डर पार से पैसे लेते हैं, तो उसके बाद हमें समझना चाहिए कि बहुत ही गंभीर और घातक कार्रवाई इस बार टेररिज्म के ऊपर होने जा रही है, और इसकी चपेट में वो लोग भी आएंगे जो सिर्फ बंदूक चलाते नहीं है, जो बंदूक देते हैं हाथ में और बंदूक देते भी नहीं है, सिर्फ इस बात का समर्थन करते हैं कि ये बंदूक उठाए हुए युवा हैं, ये किसी एक पुलिस के 2 झापड़ मारने के कारण से फिदाइन बन गए, इसके पीछे बहुत बड़ी आइडियोलॉजी काम कर रही है और उसको समूल नष्ट करने की जरूरत है। जी बिल्कुल, लेकिन उत्पल जी, जब ये कहा जाता है, जब वजीर आजम की तरफ से ये कहा जाता है कि इस बार पूरी छूट दी गई है, सेना जो चाहे वो कर सकती है, तो सवाल फिर ये उठता है कि अब तक हाथ बांधे क्यों गए थे? हाथ बांधे का बात नहीं है जी, 2-4 बातें हैं जो हम थोड़ा ओवर सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। कश्मीर में जो कुछ आदमी बिखरे हुए हैं ये सच बात नहीं है, जो आज से जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जब गए थे जो वो बताए थे ना, कश्मीरियत, इंसानियत, जमहूरियत, ये अभी नहीं है, अभी वहाबिज्म एंड जिहादिज्म, ये सब बिन रिप्लेस बाय इज्म्स। इसको ख्याल आपको लग रहा है कि मजहब की ढाल अपनाई जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी एक सीधा सा बात, ये हिलाल को हिलाल आज मर गए कि कन्वर कामरान मर गए जी, इसका जो जनाजा निकलेगा कल, उसको क्राउड उसको कंट्रोल करने के लिए जनाजा इतना बड़ा निकला ही नहीं, इसके लिए जीएनके पुलिस वगैरह को सख्त से सख्त सत्यपाल मालिक को जी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि डेड बॉडीज जो दी जाती है मिलिटेंट्स की वो देना ही बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है इससे आप एक तरह से उसको हीरो बनाते हैं, और जो भीड़ निकलती है, जो जनाजा निकलता है, उसमें से ना जाने कितने कामरान बुरहान फिर और पैदा होते हैं। नहीं बिल्कुल, बहुत ही काम की बात कर रहे थे हमारे जो आर्मी से ऑफिसर आए हैं, तो अगर आप देखें कि जो पूरी जो आइडियोलॉजी फैल रही है जो वहाबिज्म की और जो इस्लाम की, अगर आप देखें जो वीडियो अभी आया, या एक बहुत बड़ा नाम हम लोगों के बीच से छूट जा रहा है, जाकिर मूसा का। जाकिर मूसा ने वो बुरहान वानी के बाद साफ तौर पे आया और उसने कहा ये कोई आजादी की लड़ाई नहीं है, ये कोई राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन की लड़ाई नहीं है, ये सीधे तौर पे इस्लामिक खिलाफत लाने की लड़ाई है। तो इस तरह के जो रेडिकल एलिमेंट्स है उन्हें न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है, जब वो उस पे वो पनप रहे हैं उसको न्यूट्रलाइज करने की जरूरत है। अगर आप देखिए तो अमेरिका ने तो किया था, अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन की जो डेड बॉडी थी उसे पानी में बहा दिया था, क्योंकि जहां पे भी उसकी मजार बनती वो शायद एक सेक्शन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी के लिए शायद किसी मक्का से कम नहीं होती, किसी बड़े इबादत गाह से कम नहीं होती, मक्का का नाम ना ले, वो जगह है, इबादत गाह मैंने कहा तो किसी इबादत गाह के जैसे बन सकती थी। इसलिए आर्मी को भी सोचना चाहिए कि अगर इस तरह चाहे बुरहान वानी हो या अभी अली अहमद दार हो या आज जो टेररिस्ट गए, अगर वो यहीं के लड़के हैं तो उनकी डेड बॉडी के साथ क्या करना चाहिए, जिससे उनकी फैमिली को भी, अगर उनकी फैमिली को पता था नहीं पता था, इसे बहुत सारे एलिमेंट्स जुड़ जाते हैं, क्योंकि फैमिली कई बार शामिल होती है और कई बार फैमिली शामिल नहीं भी होते हैं, लड़के गुमराह हो जाते हैं, लड़के आतंकवादी बन जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसको लेकर नहीं लगता कि आपको पॉलिसी में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि एक हीरोइक हम देखते हैं कि किस तरह से एक 20-22-25 साल का लड़का अचानक से उसकी खबर आती है कि वो गायब हो गया, फिर हम देखते हैं सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर होती है, हाथ में AK-47 उसके लिए होती है, अचानक से वो उन लोगों का जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं वो हीरो बन जाता है कि वो उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहा है, और अचानक से फिर जब उसको मार दिया जाता है तो फिर वो
और ज्यादा बड़ा हीरो बन जाता है। तो सबसे पहले इस तरह की जो आइडियोलॉजी है उस पर वार करने की जरूरत है। बिल्कुल, जो रेडिकल इस्लाम की जो पूरी एक आइडियोलॉजी निकल के आ रही है वो कहीं से भी आयातित विचार है, क्योंकि वो कश्मीरियत, हमारी कश्मीरियत ऐसी नहीं हुआ करती थी, उस पर जरूर सीधे तौर पर चोट करनी चाहिए कि कैसे हम अपने यूथ को डी रेडिकलाइज कर सकते हैं। क्योंकि धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो कश्मीर है, जहां लड़ाई कभी 1948 में कुछ और बात हो रही थी, 89 में कुछ और बात हो रही थी, 89 के बाद से यह हवा शुरू हो गई थी, जब 87 के इलेक्शन के बाद से ऐसा बताते हैं, उसको वजह बता दिया गया था। तो तब से ये जो 89 से लेकर 2019 तक जो हवा पहुंची है, और उस हवा में जितनी रेडिकलाइजेशन पहुंच चुका है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं। अनिल जी, ये भी तो देखना है कि सबसे ज्यादा अगर वहाबिज्म जो है वो कहीं से फैल रहा है तो सऊदी अरब है, इसको तो आप इनकार नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से, हम पूरी दुनिया में इसको देख रहे हैं। तो हमें जड़ें भी तो तलाशने की जरूरत है कि आखिर सिर्फ हम ये कह देने से कि इस्लामिक रेडिकलाइजेशन हो रहा है, वहाबिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है वहां पर, क्योंकि कश्मीरियत का नाम तो सूफीज्म का था, वहां पर जिस तरह से सूफियों की जमीन उसको माना जा रहा था, अगर वहां से वहाबिज्म जो है पनप रहा है तो इसकी जड़ को भी देखने की जरूरत है कि आखिर फंडिंग हो कहां से रही है। सिर्फ एक पाकिस्तान भर को कह दें, आपको नहीं लगता कि और भी जगहों को देखने की जरूरत है? जी बिल्कुल, देखिए मैं शायद कुछ कहना चाहता हूं, स्वदेश जी हैं और लोग भी हैं जी, इसको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये न समझे विरोध कर रहे हैं, मैं भी एक भारतीय हूं, मेरी भी भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन मैं इन आहत भावनाओं में कमजोर नहीं हुआ हूं। हाँ। जैसा आज पूरे देश में माहौल बनाया जा रहा है, इन भावनाओं को लेकर, इन आक्रोश को लेकर जो हमारी कमजोरी प्रदर्शित की जा रही है, मैं उनके खिलाफ हूं, मैं उससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूं, लेकिन मैं फैक्ट्स के साथ बात करना चाहता हूं, मैं सच्चाई पे बात करना। देखिए भाषणबाजी का दौर नहीं रहा, हम भाषणबाजी पिछले 70 सालों से करते चले आ रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, इस सरकार से भी पूछता हूं, प्रेजेंट में पिछली सरकारों से भी क्वेश्चन है और आगे आने वाली सरकारों से पूछता हूं, यही एक समस्या, इससे बड़ी समस्या हमारे पंजाब में क्रिएट हुई थी उसी दौरान, कितने दिनों के अंदर सॉल्व कर ली गई, और यह समस्या क्यों नहीं हो रही है? हम आप पत्रकार हैं, ये देखिए स्वदेश जी है, पार्टी के हैं, ये अपनी बात रात रखेंगे, चांस बात इस वक्त यहां और कोई पार्टी की प्रवक्ता नहीं है, और ना देखते हो अपनी बात किस तरह कहता, सिर्फ और सिर्फ वोट पॉलिटिक्स। मैं इस सरकार को भी, इस सरकार के मुखिया को भी कहता हूं, 2014 के पहले जो उनकी बोली थी, जो उनकी जुबान थी, जो उनका लहजा था, पूरे देश ने पसंद किया था, पूरे देश ने सर आपको पसंद किया था, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल है। वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे स्वदेश भाई कह रहे थे कि अब हमें सख्ती से निपटना चाहिए, मैं स्वदेश भाई से ही पूछता हूं, यही चीजें आप 2014 में चुनाव के पहले करते थे, उन्हीं के बाद देखा था जिस तरह की सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, अगर सख्ती से नहीं होता, आपका आप अमरोहा में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, आपको लगता है कि वो यानी कि इतना बड़ा मॉड्यूल वो बस किया गया है, यानी कि अमरोहा में जिस तरह से 2014 से आप देखिए, जैसा आता है इन्होंने वो कहा कि देखिए इस तरह के और भी लड़के गिरफ्तार होते रहे, यानी कि जब लड़का आतंकी गतिविधि कर देगा, और अगर नहीं किया है वहां पे मॉड्यूल पकड़ा गया, कहे अरे वो तो ट्रक का वो पंप था, इसीलिए प्रॉब्लम है ना, जब कौन निर्दोष है, कौन आतंकी है, अगर घटना हो जाए, मार दिया गया तो फिदाइन हो गया। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, कौन आपसे कह रहा है, कौन बार बार उस सोच, देखिए आपके सामने स्टेटमेंट आया, क्यों है, हमारे पास कोई डर नहीं, हमने अमरोहा में गिरफ्तार किया, बहुत बड़ा थिएटर मॉड्यूल बस किया था सर, हमने किया, लेकिन पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश की गई। अरे जो कश्मीर के लड़के आज का देखिए, आज जो पुलवामा में जो चल रहा था, उसमें एक तरफ से हमारा सिपाही, हमारा सैनिक लड़ रहा था, एक तरफ से सामने से आतंकी बम मार रहे थे, हमारे रिपोर्टर भी तजम्बुल भी बता रहे थे कि उनको तीन तरफा लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, आतंकवादी से भी लड़ाई लड़नी पड़ रही थी, उधर उधर से भी बात करनी पड़ रही थी, तीसरा कि वहां जो पत्थरबाजी की गई, पहली बार नहीं हुआ, जब भी इस तरह की आतंकी गतिविधि होती है तो सवाल ये होता है कि आखिर जब कुछ हो जाता है उसके बाद क्यों किया जाता है, उससे पहले क्यों नहीं किया जाता है, पहले किया जाता है, आपने देखा अमरोहा में क्या हुआ, जिस तरह से टेरर मॉड्यूल बस्ट हुआ, सज्जनता साथ हो जाए, प्रश्न यही है, उस पत्थरबाज का समर्थन कौन कर रहा है, यहां पांच कोई आपके साथ पैनलिस्ट बैठे हैं या देश में खड़े होकर किसी एक व्यक्ति से पूछे किसका डर है, कौन वो आवाज उठा रहा है, क्यों उन पत्थरबाजों के खिलाफ और उन आवाज उठाने वालों के खिलाफ आपकी सरकार आज तक एक भी कदम क्यों नहीं उठा पाई, क्यों नहीं बोल पाती, चाहे वो पत्थरबाज हो चाहे उनके नेता मसर्रत आलम का कैलेंडर आपको पता होगा, आप नहीं, आप स्वदेश जी पत्थरबाजों के ऊपर से भी तो
पत्थरबाजों के ऊपर से भी तो केस आप ही ने वापस लिए ना, सीज फायर रमजान में भी तो आप ही की तरफ से की गई ना। बहुत एफआईआर होता है आर्मी के मेजर के खिलाफ एफआईआर, बिल्कुल के खिलाफ एफआईआर वापस होती है पत्थरबाजों के खिलाफ, हमारे सेना के जवानों अधिकारियों के ऊपर एफआईआर होती है। और जब ये पत्थरबाज जो है हथियार उठा लेते हैं, बैठे लोग श्रीनगर में बैठे लोग ऐसा वातावरण बनाते हैं कि हाँ वो भटके हुए युवा है, हम तो बार बार कहते हैं कि भाई वो भटके हुए युवा नहीं है। अगर भटके अगर नहीं है तो आप मुझे बताइए कि फिर आपने कोई समस्या हो जाएगी तो आपको जिम्मेदार माना जाएगा। जो बैठे हुए लोग हैं, जो सियासतदान है 1948 से शेख अब्दुल्ला के जमाने से, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तीनों का कार्यकाल जोड़ लेंगे तो बहुत बड़ा बैठ जाएगा, लेकिन वो जब सरकार में होते तब दूसरी तरह की बात करते, सरकार के बाहर होते तो कहते हैं लड़के सेम आपके साथ भी है, सेम आपके साथ भी है, जब आप पीडीपी के साथ होते हुकूमत में आप बात कुछ और करते हैं, जब आप उनके साथ अलग जाते हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार गिरी, आपने इतने साल तक आप रहे कि उनके साथ सर 3.5 साल तक आप क्या कर रहे थे? समाधान चाहते ही बातचीत के रास्ते से भी चाहते थे, दोनों ही दोनों, चाहे पीडीपी हो चाहे बीजेपी हो, जब तक साथ में थे आप मुझे बताइए, अगर महबूबा मुफ्ती ये कहती हैं कि अगर कोई जवान शहीद होता है मैं उसके यहाँ भी जाती हूँ, और कोई मिलिटेंट अगर मारा जाता है मैं उसके यहाँ भी जाती हूँ, तो फिर से उन्होंने दोनों को पैरेलल ही खड़ा कर दिया कि हमदर्दी उनकी वहां पर भी है, लेकिन वो ये दिखाने के लिए लोगों को देखिए वहां पर जवान शहीद हुआ तो वहां पर, तो आप ये देखें ना, आप ये सोच देखें, और ऐसे सोच रखने वालों के साथ आपकी हुकूमत थी तो आप किस तरह से सवाल उठाएंगे फिर? आप जहां तक आपने कहा कि बातचीत करनी चाहिए, यहाँ हुर्रियत से बात करने को लोग पाकिस्तान से बात करने की बात कर रहे हैं। ताजा इत्तला के मुताबिक पुलवामा में एक और मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है, और इसी के साथ जो मारे गए मिलिटेंट्स हैं उनकी तादाद 3 हो गई है। खबरों के मुताबिक कामरान और हिलाल के साथ एक और मिलिटेंट के एनकाउंटर के दौरान मारा गया है। वहीं इससे पहले डीआईजी अमित कुमार को ऑपरेशन के दौरान गोली लगी है, उन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल में ले जाया गया है। उनके अलावा ब्रिगेडियर हरबीर सिंह और एक आर्मी के जवान और एक जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान को भी गोली लगी है, लेकिन वो खतरे से बाहर हैं। गोली लगने की वजह जो लेफ्टिनेंट है कर्नल राहुल गुप्ता और सिपाही गुलजार अहमद के साथ दो दीगर भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। तो हम आपको ये बताएं कि जो लेफ्टिनेंट कर्नल राहुल गुप्ता हैं और सिपाही गुलजार अहमद के साथ दो दीगर भी जख्मी हुए हैं, जिनकी हालत अभी नाजुक बताई जा रही है। तो बेहद अफसोस की यह खबर आ रही है कि उनकी हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है, और ऐसे में एक कामयाबी जरूर मिली है कि 3 दहशतगर्द मारे गए हैं, 3 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया, जिनकी तस्वीरें भी आप फिलहाल देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और एक और जो दहशतगर्द है उसके बारे में अभी वो कौन है, वो मुकामी था या फिर बाहर से, उसकी अभी इत्तला आनी बाकी है। जी उत्पल जी, आप कुछ कह रहे थे ना, हम थोड़ा राजनीति में घुसेंगे जी। देखिए, जो पीडीपी को 28 सीट जब मिले थे जी, बीजेपी पीजेपी के साथ गया, इसमें हम एक अच्छा चीज देखते हैं, पीडीपी वो तो हॉकिश पार्टी तो थोड़ा सा है ही, उसको खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। वो एनसीपी के साथ, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलके राज चलाते तो क्या होता। उसमें बीजेपी का जो डिसीजन था वो बिल्कुल ठीक था, टू टैम्पर डाउन पीडीपी का जो भी काम कार्रवाई करे। तो एक ही चीज है, वो 3.5 साल जब तक पीडीपी के साथ थे तब तक बीजेपी का लीडरशिप और थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए था। वो मुफ्ती मोहम्मद से जो बोला मान लिया, जो बोला मान लिया, जो किया मान लिया, ये करना ठीक है। पहली बार मौका मिला था लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी जहां तक ढेर करने की बात है उस पर कोई समझौता आप नहीं कह सकते कि आर्मी ने किया हो या केंद्र सरकार ने किया। और आपको कश्मीर से तो हमें बात करनी ही पड़ेगी ना, पाकिस्तान और कश्मीर में फर्क करना पड़ेगा, दोनों की सरकारों में। जाहिर सी बात है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, तो आप वो तो पॉलिटिकल डिसीजन मिलिटेंसी होता था नॉर्थ कश्मीर में, तंगधार, त्रेगाम, जो मीर अकबुल जो पहले जिसको मारा गया उधर का ही है,
बारामूला, कुपवाड़ा, नॉर्थ कश्मीर इज हब ऑफ मिलिटेंसी, उधर तो मिलिटेंसी खत्म ही हो गया। मत बता सकता हूँ, उसके बाद महबूबा मुफ्ती बता सकता हूँ और बुरान वानी बता सकते हैं, और जैसे आप लोग बता रहे हैं, आपने जो बताया वो बहुत छोटा सा हिस्सा है। हिंदुस्तान के कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है उसके लीडर्स जो है वो बहुत लिमिटेड सपोर्ट दे सकते हैं, पर बाहर से जो सपोर्ट आ रहा है और खास करके जिस तरह से सारे ऑपरेशंस हो रहे हैं, डेफिनेटली इन पॉलिटिकल पार्टीज वो नहीं कर सकते। दैट इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज मेरे ख्याल में जो गवर्नमेंट है उसको मेरे ख्याल में दो तीन स्टेप्स जो है बियॉन्ड द गवर्नेंस लेना चाहिए, बियॉन्ड द गवर्नमेंट स्टेप्स लेना चाहिए। इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखिए उसमें करना ये चाहिए, एक तो देखिए खास करके ये कहा जाता है कि इस्लामियत है, इस्लामियत है, इस्लाम, तो इस्लाम क्या हमारे यहाँ नहीं है? हमारे यहाँ जो है, जो है लोग इस्लाम के, वो इसको अच्छी तरह से नहीं देखते। तो वैसे मौलाना मौलवियों को ले जाकर वहां जो है उनको समझाना चाहिए इस्लाम क्या होता है, इस्लाम का मतलब ही होता है शांति, जो वो चीजें जो है। दूसरी चीज देखिए, लोगों से डायलॉग तो आपको एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, एग्रेसिवली करना पड़ेगा। और तीसरी चीज, रोज जो है कौन आके इन लोगों को गुमराह कर रहा है, उनको आइडेंटिफाई करके डेफिनेटली हैव टू टेक ड्रास्टिक एक्शन। आपने बहुत अच्छी बात बोली है शिवाजी जी, कि आपने जो बोला है कि जो एक एक सेक्ट है वो भी उसी तरह से शायद होते होंगे जो उन्हें बताते हैं कि इस्लाम क्या है, दूसरे आपको असल में वो लोग ले जाने की वहां जरूरत है जो वाकई में बताएं कि असली इस्लाम है क्या और वो सिखाता क्या है, ताकि दूसरे तरीके से मजहब के नाम पर जो रेडिकलाइज किया जा रहा है लोगों को, कम से कम उस एक चीज पर कुछ हद तक कंट्रोल किया जा सके। कुछ नहीं, मैं समझता हूँ अगर उसको किया जाए जी और बहुत हद तक कंट्रोल होगा। गाहों से जिस तरह से दिए जाते हैं इजहार, वो अगर बंद हो जाए और दूसरी तरह से जो लोगों को समझाया जाए और बताया जाए, क्योंकि अगर आप जोड़ना है समझाना है तो यू हैव टू डू अ काउंटर, काउंटर जो चीजें हैं और जो सही चीजें वो आपको बताने। आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, उस पर और भी हम बात करेंगे। पुलवामा हमले को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, वहीं आज तड़के हुए मुठभेड़ में शहीद जवानों को आर्मी की जानिब से खराज अकीदत पेश की गई। वाजह हो कि 17 घंटों से भी ज्यादा देर तक चले एनकाउंटर के दौरान मेजर समेत सिक्योरिटी फोर्सेज के 4 जवान शहीद हो गए थे। तो हम आपको बता दें कि मेजर समेत 4 जवान आज शहीद हो गए थे और उनको आज खराज अकीदत पेश की गई। 17 घंटों से भी ज्यादा देर तक एनकाउंटर चला और इसके दौरान मेजर समेत सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 जवान शहीद हो गए थे और उनको खराज अकीदत पेश की गई। आर्मी की जानिब से आज उनको खराज अकीदत पेश की गई। और तमाम मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम बात करें कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। अनिल जी, ब्रेक पे मैं आपसे ये बात कर रही थी कि एक तरह से हम ये देखते हैं, एक बाहरी ताकतें हैं जिनसे हमें लड़ना है, लेकिन अंदरूनी जब तक हम पूरे मुत्तहिद नहीं हो जाएंगे इस पूरे मामले को लेकर, वो भी तो एक इशू है, हमें मुत्तहिद होकर लड़ना है इन तमाम चीजों से, किसी भी तरह की कम्युनल टेंशन ना डेवलप हो इसका भी ख्याल रखने की बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल, देखिए समस्याएं बहुत हैं, जटिल हैं, इसमें कोई दो नहीं, और कोई आज की समस्या नहीं, समस्या इतनी पुरानी हो गई जिसको कहते हैं नासूर बन गया है। लेकिन आज ये आके कहना कि ये समस्या इतनी बड़ी हो गई कि समाप्त नहीं की जा सकती, शायद ये गलत होगा। तो हम आपको जैसे बताएं, हमने 2-3 कश्मीरी वहां के एक युवा ही कहेंगे लेकिन बहुत पढ़े लिखे और जो भारत के पक्ष में वहां बाकी युवाओं को संभालने का काम कर रहे हैं, वो वहां पर अकेले दम पर बिना किसी सरकारी सपोर्ट के और बिना वहां लोकल, वो पूरे खुले तौर पर बाकी युवकों को या वहां के लोकल पब्लिक को रोकते हैं कि नहीं आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। जब उनसे मैंने चर्चा की तो उन्होंने और बहुत सी बातें बताई, लेकिन एक दो बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने कहा साहब ये पत्थरबाजी वहां क्यों हो रही, इसकी जड़ में कोई नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि ये लड़कों का वहां का स्पोर्ट्स है, उन लड़कों के पास इसके सिवाय कोई काम नहीं है, एक तो वो एक खेल बना लिया, उसको इसको खेल खेलते हैं, और दूसरा इसके पीछे उनको 100-200 रुपए पॉकेट मनी मिल जाती है। तो हमें यह समझने की जरूरत है वो लड़कों की कौन सी केप है कि उनके पास कोई काम नहीं है उस पूरे कश्मीर में, हमें उनको काम में एंगेज करना है। दूसरा उन्होंने बहुत, मैं उसका पक्ष नहीं ले रहा, लेकिन उसने
कहीं ना कहीं जमीनी हकीकत बताया, कहा साहब आप दिल्ली में रहते हो, ये मतलब बहुत ही इंटेलेक्चुअल और मैच्योर बंदे की बात बता रहा हूं, साहब आप दिल्ली में या पूरे देश में कहीं रहते हो, आप जब भी दो चार घंटे फ्री हुए, किसी कारण से प्रॉब्लम में आए, कोई मेंटल फ्रस्ट्रेशन या कुछ भी है, तो आप मॉल चले जाते हो, पीवीआर चले जाते हो, मूवी देखते हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम को फ्रस्ट्रेशन को डाइवर्ट करते हो। आप उसने कहा साहब आप कश्मीर में युवाओं को बताइए कि वो अगर कहीं किसी भी चाहे अपनी फैमिली प्रॉब्लम से डिस्टर्ब है या मेंटल किसी भी कारण डिस्टर्ब है या कुछ, वो कहां जाएं? आज कश्मीर 70 साल में जिस भारत के साथ आजाद खड़ा हुआ, आज वो कहां है? तो हम क्यों नहीं, जो वो फ्रस्ट्रेटेड या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहा लड़का, जो पत्थर उठाने के लिए उसको एक स्पोर्ट दिखता है, साथ में उसको अपना स्वार्थ दिखता है कि 150 रुपए मिलेंगे, या उनके साथ जब इन्वॉल्व होता है, सामने से फायर हमारी सेना करती है, तो वो उस एक्शन का रिएक्शन उसके माइंड में क्रिएट होता है। ये तो हमारे लोग जो कह रहे हैं, जैसे आप बता रहे हैं, मेरे ख्याल में ये पूरी तरह से सही नहीं है। मैं मानता हूँ कि जो यूथ है या बच्चे हैं, उनके एंगेजमेंट के लिए हमें कुछ करना चाहिए, तो दैट एक्सटेंट पॉसिबल थोड़ा बहुत सही है, पर ये कहना कि सिर्फ इसीलिए वो बच्चे ये कहते हैं, बच्चों के पीछे कौन है, बच्चों के पीछे जो है वो क्यों उनको उकसा रहे हैं? ये गलत बात है, जरूरी बात है। देखिए मेरे ख्याल में वी रिक्वायर पॉलिटिकल सॉल्यूशन एंड पॉलिटिकल डिसीजन टू सॉल्व इट। ऑफ कोर्स मिलिट्री एक्शन कांट बी स्टॉप, जो हालात वहां हो चुके हैं उसमें डेफिनेटली मिलिट्री एक्शन, पुलिस एक्शन, ये सारे एक्शन साथ साथ चलने होंगे, साथ साथ जो है पॉलिटिकल एक्शन की भी जरूरत है। और पॉलिटिकल एक्शन मेरे ख्याल में कश्मीर में जो है वो शुरू होना चाहिए इलेक्शन प्रोसेस, एंड इलेक्शन प्रोसेस में डिलिमिटेशन होना चाहिए। डिलिमिटेशन का इशू क्या है कि कश्मीर में पॉपुलेशन कम है, जम्मू में ज्यादा है, एज पर एक्चुअल प्रैक्टिकल जो एस्पेक्ट है उससे कीजिए। दूसरी चीज, हमने 26 सीटें जो छोड़ रखी हैं, वहां जो है नॉमिनेट पीपल कि ये पीओके के रिप्रेजेंटेटिव है, आई थिंक दैट विल ऑल्सो गिव एन इंटरनेशनल मैसेज। ऑफकोर्स लोग कहेंगे इस पे बहुत सारे डिबेट्स हो सकते हैं, सारी चीजें हो सकती है, पर वो जो चीजें होंगी, और जमहूरियत में जिस तरह से चीजें होती हैं, जो जब इधर के नंबर्स होंगे तो बहुत सारी चीजें जो है जमहूरियत नंबर से भी सॉल्व होती है, तो जमहूरियत ऐसे नहीं चलने वाली है, तो पॉलिटिकल डिसीजंस हैव टू बी टेकन। और दूसरी चीज जो है, अगर आप कहें कि उन लोगों को हम इतने सारे जो चीजें मुहैया कर रहे हैं, 5 साल से नहीं, पिछले 50 साल से हमने इतनी सारी चीजें मुहैया कराई, और लगातार जितनी हमने मुहैया कराई उतनी ही जो है हिंदुस्तान के खिलाफ वो होते रहे हैं। जी नहीं, लेकिन बिल्कुल मैं सर आपकी बात से सहमत हूँ। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि केवल और केवल यही कारण है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है हम चूक कहाँ रहे हैं। हम 70 साल का इतिहास आप देखें, कश्मीर का जब विलय हमारे साथ होता है, जो गलतियां पहले दिन से हुई, जिन शर्तों पर और शिमला समझौते तक आकर जो गलतियां हम लगातार करते चले जा रहे हैं, आज वो समय आ गया है कि अब हमें गलतियां करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, हमें उन्हीं गलतियों को सुधारना है, पॉलिटिकल मिलिट्री एक्शन, और हम उस स्पेस को जो हमारे करने का सेंस था, जो एक स्पेस क्रिएट होता है उस युवा वर्ग में, हमें वो अगर उसको कब्जा कर सकते हैं तो हम इतनी बड़ी सरकार, आपको नहीं लगता कि सारी चीजों को एक साथ करने की जरूरत है? आप ये नहीं कह सकते कि अभी मिलिट्री एक्शन है तो अभी ये नहीं किया जा सकता, अभी पॉलिटिकली एक चीज नहीं की जा सकती, अभी डायलॉग नहीं किया जा सकता, ये सारी चीजें एक साथ करनी होंगी? और आपको नहीं लगता कि कौन कौन स्टेक होल्डर्स हैं वाकई में, उनको भी अब जानना जरूरी है कि ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनकी बात मानी जाती है, इनसे बात करने की जरूरत है? क्योंकि डायलॉग प्रोसेस हमने देखा कि यूपीए के जमाने में भी हुआ था, बीजेपी ने भी कोशिश की, लेकिन उसका नतीजा जो है वो सिफर ही हासिल हुआ है। देखिए आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं बुशरा, क्योंकि ये सब प्रोसेस जो है इसका अगर सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन सिर्फ पॉलिटिकल या सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन नहीं है, सब मिला करके एक कंपोजिट सोल्यूशन बनता है। आपने अभी तक क्या किया कि जो आतंकवादी बना आप मिले आपने मार दिया, लेकिन असली बात वही आ जाती है कि आदमी आतंकवादी बनता क्यों है? बिल्कुल, जड़ पर वहां करने की जरूरत है। मारने की बात जहां तक आती वो मिलिट्री या पुलिस का काम है, लेकिन बनने से रोकने की जहां तक बात आती वहां पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल डिसीजन की बात आती है। यही मैं उठा रहा हूं, मेरे कहने का सेंस यही था। लेकिन त्रिपाठी जी, जब ये कहा जाता है कि आप सरेंडर कर सकते हैं, जब मिलिटेंट से कहा जा सकता है कि आप मेन स्ट्रीम में आए, जब इस तरह की चीजें हुकूमत की तरफ से भी कही जाती हैं, आर्मी की तरफ से भी कही जाती हैं, तो क्या आपको लगता है कि
कुछ और करने की जरूरत है, क्योंकि हम उतने बड़े पैमाने पर नहीं देखते हैं कि कोई सरेंडर करे। हालांकि अभी हमने देखा कि रिपब्लिक डे पे जिस तरह से इसको जो चक्र मिला है वो हम ये देखें तो जाहिर सी बात है कि वो मिलिटेंसी छोड़कर आए, दोनों हाथों से इन्हें एक्सेप्ट किया गया और उन्होंने भी इज्जत रखी, उन्होंने वो तमाम चीजें की और ये इसीलिए हाईएस्ट रिवॉर्ड से उन्हें नवाजा गया। तो आपको लगता है कि जब हम ये कहते हैं कि आप मेन स्ट्रीम में आइए तो क्या किसी और तरीके से इस बात को कहने की जरूरत है ताकि इम्पैक्ट और ज्यादा हो? बुसा जी, एक बात यह है जी, हम लोग टेंडेंसी है ओवर सिंप्लीफिकेशन। अर्ली 1990s में भी एक दफे पत्थरबाजी शुरू हुआ, वो जैसे मालिक जी ने बताया, फारूक अब्दुल्ला ने बताया जे ठीक है कितना पैसा देते हैं आपको पत्थर फेंकने के लिए, 50 रुपया। अभी सेब का सीजन शुरू हो गया, सब बगीचे वालों को हम बता रहा हूँ मिनिमम प्राइस 100 रुपया फल तोड़ने के लिए, तो चलो उधर चलो। तो इतना सिंपल नहीं है, अभी ये मोटिवेटेड लॉट है। अभी इसका साथ हैंडलर कौन है? हैंडलर पाकिस्तान में है। पाकिस्तान को ऊपर हमारा इतना कुछ हार्डबॉल एक्शन लेना चाहिए जो इसको डर हो, जो हमको जो हैंडलर है उसको तो पीट रहा है भाई, इसका बात भी थोड़ा सुनना चाहिए, ये थोड़ा ऑफेंसिव वगैरह हमको सोचना चाहिए। ये ऐसा नहीं सबको भाई बताएगा आज से तुम्हारा हार्ट एंड माइंड हम लोग जीतने के लिए इधर आया हूँ, तुम लोग मान जाओ। लेकिन वी आर नॉट इन दैट स्टेज। लेकिन उत्पल जी, एक अपनाइए तो दिखाने की जरूरत है, हमें ये तो कहने की जरूरत है जितना कश्मीर हमारा है उतने ही वहाँ जो कश्मीरी हैं वो भी हमारे उतने ही हैं। इस तरह के मैसेजेस, इस तरह की चीजें तो करने की जरूरत है। जब तक वो अपनापन, जब तक आप वो नहीं दिखाएंगे तो जाहिर सी बात है गैरियत जो है वो लगातार बनी रहेगी। लेकिन बात ये है जो बंदूक उठाया, जो पत्थर उठाया, वो थोड़ा सा बिछड़ा हुआ है, उसके लिए मैसेज थोड़ा दूसरा जाना चाहिए। उसके लिए मैसेज जैसे आप बता रहे हो कॉम्पोजिट एक्शंस, पॉलिटिकल मिलिट्री एक्शंस, वो सब कुछ ठीक है, वो 90% ऑफ द जनता ऑफ कश्मीर के लिए ठीक है। हार्ड बॉल एक्शंस कुछ हमको शॉर्ट टर्म प्रपोजल हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन आप ये भी तो देखें, और पाकिस्तान का आइसोलेशन सुनो, पाकिस्तान को आपको अमेरिका से सपोर्ट मिल रहा है बिकॉज दे हैड सफर्ड बिकॉज ऑफ 9/11। आपको यूरोपियन कंट्रीज से, इंग्लैंड से शुरू करके, फ्रांस से शुरू करके, बिकॉज दे आर ऑल द विक्टिम्स। चाइना विक्टिम ना हो जाए शिनकियांग प्रोविंस में, वो उधर भी उतरा थोड़ा सा पॉपुलेशन है, उसके लिए पाकिस्तान विल बी मैनेजिंग द टेररिज्म फ्रॉम देयर साइड, उसके लिए दैट इज अनदर रीजन इन एडिशन टू ओपेक, ग्वादरा पोर्ट। शिवाजी साहब, लास्ट कमेंट मैं आपको दूंगी। हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं कि किस किस तरह के एक्शन लिए जाने चाहिए, क्या करना चाहिए, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना, बदला लो, अभी लो, ये लो, जंग, ये मुझे लगता है कि शायद ये किसी भी चीज का हल नहीं है, क्योंकि जंग किसी चीज का हल नहीं है। जंग में दोनों तरफ से नुकसान होता है। अगर जो लोग इन जवानों की शहादत को के तई इतने हमदर्द हैं, अगर वो जंग की बात करते हैं तो शायद फिर से वो और शहादत की मांग कर रहे हैं। लेकिन और दूसरे तरीके भी हैं जिनसे पाकिस्तान को आइसोलेट किया जा सकता है, उसे कमजोर किया जा सकता है। मेरा लास्ट कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगी, क्या आपको लगता है फिलहाल हुकूमत को फौरन और क्या करने की जरूरत है? देखिए, फौरन तो हुकूमत जो कर रही है मेरे ख्याल में वो सही है, पर ये है कि लॉन्ग टर्म में जो है, लॉन्ग टर्म में भी दो चीजें, शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्गर टर्म। शॉर्ट टर्म में जो है उनको सबसे पहले जो आपने कहा कि दिल जीतने की जरूरत है, और दिल जीतने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ेगी, और उसके लिए जो है खास करके चाहे सूफी लोग हों, चाहे मौलाना मौलवी हों, और चाहे जिस तरह से भी हों, सारी चीजें जो कल्चर रिलीजियो पॉलिटिकल कल्चरल, वो सारे एक्शन लेने हैं जिससे कि वहां के लोगों के साथ एक डायलॉग ही नहीं, उनको भी समझ में आए कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो पॉलिटिकल एक्शन है, सवाल है कि पाकिस्तान को हम कैसे निपटे, क्योंकि पाकिस्तान के वो जो सारे जो दर्रों से आए चाहे जैसे भी आ रहे हैं उनको रोकने की जरूरत है, उसके लिए स्ट्रांग स्टेप्स की जरूरत है, और स्ट्रांग स्टेप्स के लिए हम इंटरनेशनल सपोर्ट की भी जरूरत है, जिसके हम कोशिश कर रहे हैं पर कहीं ना कहीं हम वो नहीं कर पा रहे हैं, वो एक समस्या है जी। कैसे किए जाने की जरूरत, जैसे अमेरिका गया और जाके उसने उसामा बिन लादेन को उसी के वहीं जाकर पाकिस्तान में जाकर उसको खत्म किया, मसूद अजहर को लेकर हम इस तरह से क्यों नहीं कर सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि ऐसा कोई बड़ा स्टेप करने की बड़ी स्ट्रांग इंटेलिजेंस इनपुट की जरूरत उसके लिए होती है? मैं नहीं जानता कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं उतने के लिए। अमेरिका ने अपने इंटेलिजेंस, लेकिन अमेरिका से मदद ली जा सकती है इन तमाम चीजों को लेकर। बाकी हम कहते हैं
अमेरिका ने जो काम किया वो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी हुकूमत के बिना सपोर्ट के किया, पाकिस्तानी हुकूमत की उसने पूरी टैसिट सपोर्ट थी, इंटेलिजेंस इनपुट भी था, सब कुछ था। तो क्या हम वो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जो त्रिपाठी जो कह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो सारी चीजों को करने के पहले हमारे पास वो काबिलियत होनी चाहिए। तो वो काबिलियत अगर हमारे पास हो जाएगी, और ऐसा नहीं मानता कि वो काबिलियत हमारे पास नहीं होगी, जिस दिन होगी जरूर हम वो काम भी करेंगे। जी बिल्कुल, इसी तरह करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि अवाम भी शायद इसी तरह के किसी स्ट्रॉन्ग स्टेप के इंतजार में बैठी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी मेरे पास, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का जुड़ने के लिए। और अब देखना यह होगा कि हुकूमत ने जो स्टेप उठाए हैं उसके अलावा और वो क्या ऐसा करती है ताकि आवाम के अंदर जो गम गुस्सा है उसको किसी तरह से कम किया जा सके और जो शहादत है उसको भी जाया ना जाने दिया जाए।